मिल्क का सम्राट, कोई पुण्य उदय हुए थे, उसकी छत पर एक गहरी आवाज आ रही थी। इब्राहिम ने कहा, कौन छत पे दौड़ रहा है? किसकी जरूरत हुई है सम्राट की छत पे? जो बोले, हम जरा अपना ऊंट खोज रहे हैं। बिल्क का सम्राट की छत पर और ऊंट खोज रहे हैं? ये आदमी कोई पागल मालूम होते हो? मैं बिल्क का सम्राट और मेरी छत पर ऊंट खोजने वाला कौन हो तुम? बोले, इब्राहिम, औरतों के हाड़ मांस चाटने चूसने से अगर सुख हो सकता है, तख्त पे बैठकर अहंकार सजाने में अगर सुख हो सकता है, तो चमड़ा सम्राट की छत पर ऊंट भी तो हो सकता है। ऐसी जोरों की थप्पड़ लगी विवेक की, बिल्क का सम्राट चौंका। मानो न मानो, ये कोई खुदा ही नूर को पाया हुआ फकीर है। तब तक तो फकीर रवाना हो गए थे। सुबह राजकाज में बैठे, लेकिन वही बात रिपीट होती रही मस्तिष्क में। स्त्री का हाड़ मांस का शरीर से चिपक के अगर सुख टिक सकता है, तख्त पर अहंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है, तो सम्राट की छत पर ऊंट भी हो सकता है। बस राजकाज के काम तो होते थे, लेकिन मन में वही बात रिपीट। इतने में वो गैबी आवाज वाला फकीर कोई रूप लेकर आए, आके टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया। इब्राहिम ने कहलवाया कि इनको बोलो कि ये कोई सराया नहीं है, ये राजदरबार है, ठीक से बैठे। फकीर ने पूछवाया कि सराया नहीं, ऐसा कैसे कहते हो? इस राजदरबार में तुम्हारे पहले कोई था कि नहीं था? बोले, हमारे थे, बुजुर्ग थे। उनके पहले? बोले, दूसरों का राज था। उनके पहले? दूसरों का था। अच्छा, तो आप भी जाओगे यहां से तो औरों का राज होगा? बोले, हाँ होगा। तो सराया किसको बोलते? कई आके चले गए और जो बैठे वो जाने वाले, और दूसरे आएंगे और वो भी जाएंगे, उसी को तो सराया बोलते हैं। बोले, महाराज, तुमने तो हद कर दी। सराया है तो अब तुम ही सराय में रहो, हम ये चले। गजब हो गया। बिल्क का सम्राट बिल्क का राज्य छोड़कर भारत चला आया और उसने साधु की दीक्षा ले ली। जंगल में जाता, लकड़ियां करता, 6 पैसे में लकड़ियां बिकती, 4 पैसे 5 पैसे अपने लिए खर्च करता, रोटी और खजूर खाता, कभी 1 पैसा कभी 2 पैसा बचता, कट्ठे होते हैं, उन पैसों का वो भंडारा कर देता, साधु खिला देता, बाकी का जो साधन भजन बताया गया करते हैं। लेकिन अंदर में तड़प है कि अभी तक अल्लाह नहीं मिलता, अभी तक वो आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होता। क्या बात है, ललनाओं के हाड़ मास में तो सुख नहीं टिक सकता, अहंकार में तो सुख नहीं टिक सकता, लेकिन अल्लाह तो सुख स्वरूप है, भगवान तो अभी सुख हो क्यों नहीं मिलता? भटकते भटकते किसी संत के पास गया। तो संत ने कहा, अभी भी तो वो मौजूद है, पहले बिल्क का सम्राट था, तो अभी अपने पसीना का खाने वाला मौजूद है, और अपना पसीने का खाता हूँ, बाकी का बचता है वो भंडारा करता हूँ। ये जो भंडारा करने वाला है और पसीने का खाने वाला है, वही तो अड़चन है ईश्वर के रास्ते, पगले। तो बोले, बाबा जी, अब तुम मिटाओ। बोले, भाई, मेरे बस का नहीं है, कोई समर्थ ब्रह्म ज्ञानी संत को खोज। मिल्क का सम्राट इब्राहिम खोजते 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 अभी बसे हुई, पहले बसे नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। हरिद्वार से यात्रा करते करते राय वाला रात रुका, फिर आगे चले, ऋषिकेश पहुंचा, वहां से कुछ आगे, जैसे आजकल अपन ब्रह्मपुरी कहते हैं, उधर जहाँ गुफाएं बुफाएं थोड़ी बहुत, राम तीर्थ भी रहे थे,
वशिष्ठ महाराज भी वहां रहे थे कुछ समय पहले, उस इलाके में पहुंचा एक संत के चरणों में। महाराज सारी बात कह दी कि मैं ऐसा ऐसा था और ऐसे मेरे को किसी फकीर की रहमत से झटका लगा। अगर सुख टिक सकता है ललनाओं के हाड़ मास में, शरीर की तंदुरुस्ती और सजावट में अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। महाराज गेबी वचनों ने मेरे आंख खोल दी और फकीरी ली, लेकिन अभी अहंकार तो जाता नहीं। पहले राजा था फकीर, पहले राजमहल में रहता था सोता था, तो अभी कहीं झोपड़ी में सोता हूँ। पहले सोने और चांदी के बर्तनों में खाता था, अभी ठीकर में खाता हूँ, लेकिन अहंकार गया। आप मेरा अहंकार ले लो बाबा। मैंने कहा अहंकार देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बोले महाराज बच्चों का खेल तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे भी आप कृपा करिए। पूरे हृदय की प्रार्थना था, पूरा समर्पण था। ऐसा नहीं कि भाई आसाई जन वो मुझे अहंकार वो थोड़ी देर में वरी पैं अहंकार सजा हलंदो थो न, तो नाटकबाजी है। दिया तो दिया, ऐसे मर्दों का काम होता है, जुड़ों का काम नहीं है अहंकार अर्पण करना गुरुओं को। कोई कोई विरले लाखों करोड़ों में कोई मिलता है। महाराज ने आप ले लो, अरे तू देगा तब ना। अच्छा जाओ शाम हो गई, अहंकार देना चाहता है? बोले हाँ महाराज ले लो। अच्छा जाओ सुबह आ जाना भोर में अमृत वेला। इब्राहिम चला, महाराज ने आवाज दी कि अकेला मत आना, उस सुअर को लेते आना। बोले महाराज किसको? जो तुझे भटका रहा है, जिसको तू छोड़ना चाहता है। महाराज कौन? अरे जो तुझे भटका रहा है कि मैं अभी ये हूँ वो हूँ, कोई अहंकार, उसको भी ले आना साथ में। कहीं ऐसा नहीं कि छोड़ के आए। सोचता है कि हद हो गई, वो भी कहीं छोड़ के आया जाता होगा। अच्छा महाराज बाएंगे। रात को थोड़ी सी झपकी ली न ली, प्रभात को जाना है, पहुंचे हुए संत के दर्शन। उस ईश्वर से और अल्लाह से हमें दूर करने वाला जो अहंकार है वो आज अलविदा लेगा। फकीर की रहमत बरसेगी तब। प्रभात हुई, पहुंच गया महाराज के। महाराज गुफा से बाहर आए। अच्छा आ गया। बोलो शैतान को लाया, उस बदमाश को लाया जो ईश्वर से दूर अल्लाह से दूर करता है, उसको लाया? हाँ महाराज लाया। कहाँ है दिखाओ। बोले महाराज वो तो भीतर ही रहता है, मैं अब खजूर और रोटी खाता हूँ, मैं वो तो भीतर ही रहता है। बोले भीतर रहता तो तू जानता है ना, मैं भीतर रहता तो निकाल सारे बदमाश को। और सुन ले, जब तक निकाल के यहाँ रखा नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा, ये डंडे से खोपड़ी तोड़ दूंगा। फकीर ने अपना कुछ रूप दिखाया, देखते रह गया। देखता क्या है, खोज खोज जहाँ रहता है। मैं बिल्क का सम्राट हूँ, अब मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं अपना खाता हूँ, मैं एक करता हूँ, निकाल देना। कौन कहता हूँ, कौन है खुद? फकीर के डांट में भी करुणा कृपा भी थी। भूलकर भी ऐसे महापुरुषों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए किसी कीमत पे। जो ईश्वर प्राप्त महापुरुष हैं, किसी कीमत पे उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अहंकार वो दामन छुड़ाने के लिए कुछ का कुछ भिड़ा के भगा देता। जय जय खोज खोज। खोजते 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 थोड़ा शांत हो गया अहंकार, खोजने गया अंतर्मुख।
खोजते 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 मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कौन, कहाँ रहता अहंकार। जैसे केले के थड़ की परतें खोजते जाओ खोजते जाओ, प्याज की परतें हटाते हटाते प्याज को खोजते जाओ तो क्या मिलेगा? केले का थड़ टिकेगा, प्याज टिकेगी परतें हटने पर? खोजते 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 देखा कि ये तो कपोल कल्पित अहंकार ने परेशान किया। सत्ता तो उसी सर्वेश्वर की है।